भूलने वाली देख लिया तेरा। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ था। वह 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे। जब वह छोटे ही थे तब उनके सबसे बड़े भाई अशोक कुमार फिल्मों में आ चुके थे। जब अशोक कुमार स्टार बन गए तो पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। किशोर कुमार को गाने का शौक बचपन से ही लग गया। आरंभ में उन्होंने 1-2 फिल्म में कोरस सिंगर के तौर पर भी गाना गाया। जब वह 17 साल के थे तो उन्होंने शिकारी नाम की अशोक कुमार की फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था। किशोर कुमार को पहला सोलो सॉन्ग सन 48 की फिल्म सिद्धी में मिला। यह गाना देव आनंद में फिल्माया गया था। यह गाना लोकप्रिय भी हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ पहला डुएट भी गाया। जीने की तमन्ना कौन करे कौन करे। किशोर कुमार ने गायन के अतिरिक्त फिल्मों में एक्टिंग भी की। उन्होंने 88 फिल्मों में अभिनय भी किया। फिल्मों में उन्होंने आरंभ के कई सालों तक देव आनंद और अपने लिए ही प्लेबैक किया, पर कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके लिए अन्य सिंगर ने भी प्लेबैक किया था। इस एपिसोड में हम किशोर कुमार पर फिल्माए 10 ऐसे गाने पेश कर रहे हैं जिन्हें पर्दे पर गाया तो किशोर ने पर प्लेबैक अन्य सिंगर ने दिया। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दे कि ऐसे 20 गाने हमें मिले जिनमें आवाज दूसरे सिंगर्स की थी। पहली बार सन 1955 में रिलीज फिल्म बाप रे बाप में आशा भोसले की आवाज में एक गाना किशोर पर फिल्माया गया। मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए 7 गाने प्लेबैक किए थे। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट संगीतकार ओपी नैर साहिब ने 1956 में रिलीज फिल्म भागम भाग में किया था। इस फिल्म में 2 गाने रफी साहब ने किशोर कुमार के लिए गाए थे। अगला गाना भी मोहम्मद रफी जी ने किशोर कुमार के लिए 1958 की फिल्म रागिनी के लिए गाया था। इस फिल्म के संगीतकार थे ओपी नैर साहब। मन मोरा बावरा। अगला गीत भी रफी साहब का है। फिल्म 1959 की रिलीज शरारत थी। इस फिल्म में 2 गाने रफी ने किशोर दा के लिए गए। फिल्म के संगीतकार शंकर जयकिशन। जब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, जब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। अगला मोहम्मद रफी का गाना 1972 की फिल्म प्यार दीवाना का है। इस फिल्म का संगीत लाला सत्तार ने दिया था। कहीं का अपनी आदत है, होए होए होए, अपनी आदत है सबको सलाम करना, हुस्न वालों से हंस के कलाम करना। क्या खबर थी के आप बुरा मानेंगे, क्या खबर थी के आप बुरा मानेंगे। बन्ना डे दूसरे ऐसे प्लेबैक सिंगर रहे जिन्होंने 6 गाने किशोर कुमार के लिए गाए थे। मन्ना डे ने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में 1961 में रिलीज फिल्म करोड़पति में 2 गाने किशोर दा के लिए गए थे। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। 1962 की फिल्म नॉटी बॉय में बर्मन दादा ने मन्ना डे को एक गाने में थोड़ा सा गवाया था। हैप्पी हो हैप्पी हो हैप्पी 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 हो गई शाम, दिल बदनाम लेता जाए तेरा नाम, लाख मनाऊं नहीं माने नहीं माने नहीं माने। महेंद्र कपूर ने भी किशोर दा के लिए 1967 में आई फिल्म अलबिला मस्ताना में प्लेबैक दिया था। इस फिल्म का संगीत एन दत्ता ने दिया था। हमने तो दिल बिछा दिया तुम्हारी राह में,
हमने तो उस्ताद बड़े फतेह अली खान एक उच्च कोटि के क्लासिकल सिंगर रहे हैं। उन्होंने रागिनी फिल्म में किशोर कुमार को एक गाने में प्लेबैक दिया था और ये गाना है। मेरे दिल के बाज पग पग लहराती। एसडी बातिश अपने जमाने के जाने माने शास्त्रीय गायक रहे हैं। आपने भी फिल्म भागम भाग में किशोर दा के लिए प्लेबैक किया था। दिल दिया दौलत को इंसान तूने क्या किया, भूल बैठा प्यार को नादान तूने क्या किया। ये थे वह 10 मशहूर गाने और अब जाते जाते एक बोनस गाना भी दिखाते हैं। ये एक बंगाली फिल्म दुष्टो प्रजापति से लिया गया है। इसमें हेमंत कुमार ने किशोर दा के लिए प्लेबैक दिया था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।